चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया है। उस पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के एक बयान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है, जिसके बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सांसद किरण खेर ने साफ तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम मोहाली के नाम पर बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मोहाली को कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना शहर है और जो लोग यहाँ आते हैं वे चंडीगढ़ के नाम पर आते हैं, न कि मोहाली के नाम पर। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। जो बुक करते हैं ना अपनी टिकट्स पूरी दुनिया भर से, उन्हें चंडीगढ़ का पता है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि मोहाली क्या है। तो इसलिए एयरपोर्ट के लिए इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल विल नॉट नो व्हाट इज़ मोहाली व्हेन दे आर डूइंग देयर बुकिंग। तो कहेंगे दे विल गेट कन्फ्यूज, लोग बहुत ऑनलाइन भी करते हैं। सो इट शुड नॉट बी रिमूव्ड एट ऑल जस्ट बिकॉज उस ज़मीन पर बना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इट्स नॉट चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इट इज़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट ना। अब हम ये तो बात ही बड़ी मुझे हल्की लग रही है कि आप कहें जी क्योंकि ये मोहाली की ज़मीन पे इसका नाम मोहाली रख दो। गौरतलब है कि पहले चंडीगढ़ में एयरपोर्ट था, जिसके रहते हुए पंजाब सरकार द्वारा मोहाली में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ स्थित हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और अब मोहाली में बनाए गए हवाई अड्डे को भी करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये निर्धारित नहीं किया जा सका है कि इस हवाई अड्डे का नाम मोहाली के नाम पर होगा या चंडीगढ़ के नाम पर। उस पर सांसद खेर का बयान फिर से इस विवाद को हवा दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ शाइना शर्मा की रिपोर्ट।